हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, मैं आपको सारी इनुमरेट करूँगा और उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी मैं इस वीडियो में डिटेल्स दूंगा। ओके, तो फर्स्ट उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओवेरियन, दूसरा होता है यूट्राइन और तीसरा होता है ट्यूबल कॉजेस। ओवेरियन में दोस्तों 3 क्लासेस होते हैं उसके। ओके, तो उसे 3 क्लासेस में आता है। फर्स्ट क्लास होता है क्लास 1, यानी हाइपोगोनेड्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है या हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वहाँ से किसी भी तरीके से गोनेड्रोपिन यानी GnRH या FSGLH वहाँ से प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो रहा है। इसके कारण जो ओवरी है वो कोई भी हार्मोन फॉर्म नहीं कर पा रही या फॉलिकल्स को डेवलप नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी होती है। उसमें एक एग्जाम्पल है कैलमन सिंड्रोम ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, जो GnRH प्रॉपरली डेवलप नहीं, प्रॉपरली उसके जो न्यूरॉन्स होते जो कि सिक्रेट करने वाले डेवलप नहीं होते, इसके वजह से GnRH सिक्रेट नहीं होता। और GnRH सिक्रेट नहीं होने के कारण FSGLH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते और उसके बाद ओवरी में भी वो स्टिमुलेट नहीं कर पाते, तो दैट्स वाई देर इज़ नो ईस्ट्रोजन और नो फॉलिकल ग्रोथ। तो ये होता है फर्स्ट रीज़न। सेकेंड क्लास होता है दोस्तों, इन सेकेंड क्लास दैट इज नॉर्मोगोनाड्रोपिक नॉर्मोगोनाडिज्म, इन दैट द गोनाड्रोपिक रिलीज इज नॉर्मल, दैट इज FSGLH आर नॉर्मल, बट एंड ऑल्सो देर इज ओवरी, इन ओवरी ऑल्सो देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स और डेवलपमेंट ऑफ देर इज ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉर्मल, बट देर इज नो फर्टिलिटी बिकॉज ये आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक PCOS है या अनोवुलेशन है। अनोवुलेशन में क्या हो रहा है कि देर इज FSH नॉर्मल है, LH नॉर्मल है और वहाँ पे ईस्ट्रोजन भी है, लेकिन वहाँ पे ओवुलेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत सारे रीजन है। तो फॉलिकल से वो ओवुलेट नहीं होगा तो वो इफ जो फर्टिलाइजेशन करना है वहाँ पे नहीं आ पाएगा और उससे फर्टिलिटी नहीं होगी, या कोई भी फीमेल हो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसके वजह से अनोवुलेशन हो या PCOS हो, PCOS में सेम होता है, जो वो फॉलिकल्स है वहाँ पे भी ईस्ट्रोजन नॉर्मल है, FSH नॉर्मल है, LH नॉर्मल है, लेकिन जो फॉलिकल्स है वो हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से, फॉलिकुलर टॉक्सिसिटी की वजह से या बाकी अदर रीजन से प्रॉपरली वो ओवुलेट नहीं हो पाते और उसके वजह से वहाँ पे भी इनफर्टिलिटी है। थर्ड क्लास होता है ओवेरियन कॉजेस में। थर्ड क्लास में क्या आता है कि ऊपर से दोस्तों हाइपरगोनाड्रोपिक होता है लेकिन नीचे जो है वो हाइपोगोनाडिज्म होता है। हाइपोगोनाड्रोपिक यानी वहाँ से LH FSH तो हाई नंबर में आ रहे लेकिन नीचे ओवरी में कोई भी फॉलिकल से ईस्ट्रोजन नहीं है, यही कहाँ पे होता है, जैसे कि प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में क्या आता है कि फॉलिकल्स सडनली, जो कि एक एज होता है या इंडिया में जैसे कि 49 ईयर्स ऑफ एज में मेनोपॉज आता है, लेकिन प्रीमैच्योरली उस टाइम से पहले ही जो फॉलिकल्स है ओवरी में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, उससे वजह से उसके कारण कोई भी फॉलिकल्स ओवरी में नहीं रहता, इसे कहते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। तो ओवेरियन ओवरी में ही फॉलिकल्स कम हो तो वो कौन से फॉलिकल्स डेवलप होंगी, इसके वजह से वहाँ पर इनफर्टिलिटी आती है। ये तीसरा ऑप्शन हो, तीसरा क्लास है। तो ओवेरियन कॉजेस में हमने आपको 3 क्लासेस बताए। पहला क्लास था क्लास 1, जो कि हाइपरगोनाड्रोपिक हाइपरगोनाडिज्म था, जिसमें कि हाइपरगोनाड्रोपिक हाइपरगोनाडिज्म था जिसमें क्या कैलमन सिंड्रोम आता है। दूसरे में था नॉर्मोगोनाड्रोपिक नॉर्मोगोनाडिज्म, जिसमें कि PCOS अनोवुलेशन था। और थर्ड क्लास जो है उसमें, उस क्लास में हाइपरगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म यानी POI यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, ये आता है। ये थे ओवेरियन कॉजेस। सेकंड कॉजेस आते हैं ट्यूबल कॉजेस में। ट्यूबल कॉजेस में आता है फर्स्ट PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, जो कि क्लाइमेडिया, गोनोरिया और अदर इन्फेक्शियस कॉजेस कॉज करते हैं, और आप साल्मेनजाइटिस, इंडोमेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, इस तरीके से ऊफोराइटिस जैसे कॉजेस होते हैं। दूसरा आता है कोई भी ट्यूबल सर्जरी यानी साल्मेनेक्टोमी हो उससे वजह से आ सकता है, या ट्यूबेक्टोमी हो जैसे इस्टोमिक हम एनास्टोमोसिस करते हैं, सॉरी इस्टोमिक हम वहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में क्लिप बस बिठाते या फैलोफिंग्स वगैरह जो कि हम स्टेलाइजेशन में यूज़ करते क्या प्रीवियस एक्टोपी प्रेगनेंसी के कारण भी वहाँ पे इन्फर्टिलिटी आ सकती है। और लास्ट है साल्पिंगोक्टोमी, जो मैंने आपको पहले बताया,
जैसे कि कोई सार्पिंजाइटिस हुआ है या फिर ब्लूटेबल ब्लॉकेज है या हाइड्रोसार्पिंग से, उस वक्त हमें वहाँ पे हम सार्पिंगेक्टोमी करते, उसके वजह से वहाँ पे इन्फर्टिलिटी आ जा सकती है। थर्ड कॉज है दोस्तों यूट्राइन और सर्वाइकल कॉजेस। यूट्राइन और सर्वाइकल कॉजेस में आता है फर्स्ट कंजेंटल यूट्राइन एनोमली, जो कि मुलियन माल फॉर्मेशन है। कॉमनली दोस्तों मुलियन माल फॉर्मेशन रियल ही आपको इन्फर्टिलिटी दिखेगी, वहाँ पे प्री मैच्योर प्रेगनेंसी लॉस वहाँ पे बहुत कॉमन है मुलियन माल फॉर्मेशन रादर देन की इन्फर्टिलिटी। जो सेप्टेड टाइप का यूट्रस होता है उसमें मे भी हो सकता है कि उसमें आपको इन्फर्टिलिटी दिखेगी, लेकिन कभी भी ऐसा इनफर्टिलिटी डिविकली मुलियन माल फॉर्मेशन में कंजेंटल यूट्राइन माल फॉर्मेशन में आपको नहीं दिखेगी, वहाँ पे प्री मैच्योर प्रेगनेंसी लॉस आपको या अबॉर्शन दिखेंगे। सेकंड होता है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड में जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है वो मोस्ट कॉमन है जो कि कॉज करता है इनफर्टिलिटी को। थर्ड आता है एंडोमेट्रोसिस जो भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है। उसके बाद प्योर सर्वाइकल म्यूकस या क्वान्टिटी या क्वालिटी में, तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे जो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ है जो कि हूनर टेस्ट भी करते हैं, पोस्टकॉर्डल टेस्ट भी उसके लिए करते हैं, तो उसमें आपको इन्फर्टिलिटी आ सकती है। यानी जो जब स्पर्म आता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सर्विस में, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्म होकर उस स्पर्म को ही वो बाइंड करते थे, इसलिए कारण स्पर्म मूव नहीं कर पाता, तो उसके वजह से भी इन्फर्टिलिटी आ सकती है। और होते सर्विसाइटिस जैसा प्रॉब्लम है या सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया, तो उसके वजह से भी इन्फर्टिलिटी आ सकती है। और लास्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन जो जेनिटल ट्रैक्ट का हो वो जो फिर यूट्रस का हो या सर्विस का हो, जैसे सर्विसाइटिस है एंडोमेट्राइटिस है, वो वहाँ पर इन्फर्टिलिटी कॉज कर सकता है फीमेल में। सो दीज आर द बेसिक थ्री कॉजेस लाइक ओवेरियन, ट्यूबल एंड यूट्राइन और सर्वाइकल कॉजेस जो मैंने आपको इन्यूमरेट किए, और उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी डिटेल दी। आपको किसी टॉपिक पे आपको डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो या वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।